यहाँ पे ट्रैक थोड़ा सा छोटा है। आप क्यों फ्रीज हो रहे हो? आप अंदर बैठो। दरवाजा खोला, अभी देखो ठंड कैसे आ रही है बाहर से अंदर। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला इधर से हाथ निकाल के चढ़दी कला करनी पड़ रही है बिकॉज कैमरा बाहर निकला है, लेकिन बाहर का हाल देखो। ओहो, धूप लगी हुई है, लेकिन धूप जो है ना दिखावे की धूप है, गाड़ियां गुड़ियां चल रही हैं, लेकिन देखो ये जो धुआं आ रहा है ना अंदर से, पूरी ठंड जो है ना अपने घर के अंदर आ रही है। देखो यहाँ से लॉक लगा दिया हमने, और ये देखो अपना बिजली घर, ये छोटा सा अपना बिजली घर है। ये जो आप वीडियो देखते हो ना उसके लिए इतने सारे पंगे करने पड़ते हैं देखो। और ये जो सॉक्स हैं ना, ये देखो जब ठंड बहुत ज़्यादा होती है तब ये वाली सॉक्स पहन के जाता है आपका भाई लग रहा है ना जैसे वो बुड्ढे पहनते हैं ना, ऐसा सिस्टम है देखो। और ये पूरा सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन पूरा हम समेट लेंगे। तो क्या होता है ना, ठंड अभी जाने वाली है, तो मैंने सोचा ठंड जाने से पहले ना एक दो ब्लॉग ऐसे हो जाए जिसमें आपको भी मजा आ जाए और अपने को भी मजा आ जाए, तो इसलिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। कहीं बाहर जा रहा हूँ, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ठंड जो है ना अभी दो दिन बाकी है, हमको पहले मालूम पड़ जाता है, दो दिन के बाद में टेम्परेचर जो है ना थोड़ा -15-20 के पास आ जाएगा, -30-40 वाला टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। तो सामने देखो वो अपनी कार लगी हुई है, और कार की बेचारी की हालत देखो, ओ माय गॉड। तो कार को अभी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। देखो ओ देखो अभी लाइट चलनी शुरू होगी, देखो थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा आपको। जब ठंड हद से ज्यादा हो जाती है ना, तो सुबह उठ के सबसे पहले अपनी कार स्टार्ट करो, अपने कपड़े देखो गर्म कौन से लेके जाने कौन से नहीं लेके जाने, ठंड में बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आज का आपको मालूम पड़ेगा क्या हाल होता है। पहले तैयारी कर लेता हूँ पूरी, और ये पूरा खाने का सामान पड़ा हुआ है देखो। तो सारा सामान अपने को रेडी करके लेके जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा सामान अपने साथ में चाहिए, और फिर जाके ट्रक को भी रेडी करना होता है। ट्रक को रेडी करने के लिए जैसे दुल्हन को रेडी करते हैं, ऐसे ट्रक को भी रेडी करना पड़ता है। पूरा सर्दियों में हर एक चीज आपके पास होनी चाहिए स्टॉक में। लेट्स गो। अच्छे बड़े बच्चे की लाद जो है ना पूरी टांग में आ जाएगी ये सॉक्स देखो यहाँ तक आती है। जब भी ठंड होती है ना तो ऐसे पूरा सेफ्टी करके जानी पड़ती है बॉस, बाद में कोई नहीं पूछेगा, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। तो ये देख लो यहाँ तक सॉक्स गर्म डाली हुई है, पजामा भी गर्म है ये वाला, और ऊपर से ब्लैक जैकेट। तो ब्लैक जैकेट का आपको मालूम है ना कब डालते हैं हम, बस आज ब्लैक जैकेट डालनी है। Let's go। कोई भी चीज भूल मत जाना, अगर कोई चीज भूल गए ना बाद में अपने को नहीं भूलने का है। ये स्नो की बारिश होती रहेगी आपके ऊपर वाहेगुरु। ओहो अबे वो ठंड का भी सिरा हुआ पड़ा है सिरा। सबसे पहला काम क्या होता है, आयल पानी चेक करके आता हूँ। सबसे पहला काम आयल पानी चेक करके अपना ट्रक स्टार्ट कर लो पहले। वाहेगुरु मेहर करी। Yes! अभी बाकी का सामान लेके आता हूँ, फिर बाद में कार पार्क करके आएंगे। क्या होता है ना, जब तक कार पार्क करने जाएंगे ट्रक को 15-20-30 मिनट चाहिए रेडी होने के लिए। बहुत ठंडा हुआ पड़ा है देखो, कूलर वाली सुई देखो बिल्कुल नीचे। अभी 15-20 मिनट ये भी कोई हीट नहीं मारेगा आगे से, ठंडी हवा देगा ठंडी।
प्लग लगा दिया है, मेक श्योर करके जाओ। ये देखो इसके अंदर ना एक लाइट चल रही है, देखो। अगर लाइट नहीं चल रही, गाड़ी ऐसे रह गई, फिर जब दो दिन के बाद में आओगे ना तो फिर तारें लगानी पड़ेंगी इसको। निकाल के शूटिंग करना वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग है, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। चैलेंजों से लड़ना तो अपना काम है, तो लड़ते रहेंगे। ड्राइवर का काम क्या होता है? बस मुश्किलों का सामना करना और जिंदगी को एंजॉय करना। जब सिंगल ट्रेलर होता है ना, मेरा मुंह देख लो एक बार अच्छी तरीके से। मुंह जम चुका है। ये आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, ये यहाँ पे रख दिया। 3 दिन के बाद में उठा लेना, ये मेल्ट नहीं होगी। बात तो बस यही हाल होने का है अपना, जो हो रहा है देखो। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है ना, उसको फ्रॉस्ट बाल वाली ठंड बोलते हैं। जब मैं ऐसा मफलर ऊपर लेते हैं ना हम लोग बाहर, नाक को ठंड लगती है। जब सांस छोड़ते हैं तो जो सांस से जो पानी होता है ना, स्टीम वाला पानी, वो सारा यहाँ पे आके फ्रीज होता है, क्योंकि यहाँ से निकलता है इस तरफ को जाता है। अभी ये पानी है, ओ माय गॉड। तो पानी से मेरे को याद आ गया कि जो ट्रक में पानी लेके आए ना, उसको रख लिया जाए। ट्रक में पानी अपने ना खत्म होने वाला था, थोड़ा सा पानी है। ये देखो, रात को किसी वजह से ट्रक की हीट बंद होगी और पूरा पानी जम गया। देखो किस किसको खेलने का है, आ जाओ गड़बा। ओहो ओहो। ये अभी ठीक हो जाएगा बाद में, अभी हीट चल रही है। पागल हो गए यार, कभी डालो कभी उतारो। ट्रक में हीट है तो ट्रक में तो उतारना पड़ेगा ये सब। ये जैकेट है ना ब्लैक वाली अपनी, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये बिल्कुल ही कॉस्को से पकड़ी हुई मैंने, कॉस्को से पकड़ी हुई जैकेट है। जब इतनी ठंडी होती है ना, इसको पहन के आ जाता हूँ। देखो नीचे सिर्फ ये हाफ बाजू पहनी हुई, इसके ऊपर कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, ठंड जाती नहीं है अंदर। करते हैं अपनी आज की कुंडली तैयार और निकलते हैं जहाँ से लेके बाबा जी का नाम। टाइम लगेगा बॉस, बाद में मिलता हूँ। तो ट्रिप कर लिया हमने 0 और ये हो गया स्पीडोमीटर सेट 0 पे। अभी मालूम नहीं आपको दिखाई दिया नहीं दिया, बेल्ट हमने लगा ली है, ब्रेक छोड़ दी और ये डाल लिया गियर। बाबा जी बड़ा करना, सबके ऊपर करना। टायर जरूर देखने जाने से पहले टायर, तो टेस्टर पे टायर देखने के लिए स्टेरिंग को इस तरफ घुमाना पड़ता है, फिर ऐसे मालूम पड़ जाता है। तो स्टॉप साइन है भाई साहब, स्टॉप साइन। रुको भाई, रुको, शाबाश। तो यहाँ से राइट करेंगे, नहीं यहाँ से लेफ्ट करेंगे यार। जब सिंगल ट्रेलर होता है ना, वो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, देखो। जब सिंगल ट्रेलर होता है ना तो हम लेफ्ट कर सकते हैं, जब डबल ट्रेलर होता है तो फिर यहाँ से राइट करके उस तरफ को जाना पड़ता है। ये रास्ते पे परमिशन नहीं है यहाँ से लेफ्ट करने की, 2 ट्रेलर लेके। तो ऐसा नहीं है कि आज हम सिंगल ट्रेलर लेके जाएंगे, नहीं। अगर आपने थंबनेल देखी है तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि 2 ट्रेलर है। तो 2 ट्रेलर कैसे होंगे वो आपको जल्दी मालूम पड़ेगा। ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही अपना इशारा हुआ पड़ा है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। मुश्किल नहीं है, रेड भी हो जाएगा तो भी चलेगा, हमको यहाँ से राइट जाना है। राइट, क्या बात है, कितनी इज्जत हो रही है। देखो इशारे वालों ने अपने को ग्रीन करके रखा है, पूरी ट्रैफिक रोकी हुई है भाई साहब। मंत्री वाली फीलिंग आ गई, मंत्रियों वाली, क्या बात है। इतना इज्जतमान नहीं चाहिए भाई साहब। नहीं, बस बहुत हो गया, लेट्स गो। हर एक बंदा धुआं छोड़ता हुआ, पीछे देखो क्या हाल हो रहा है, पीछे देखो बॉस। ठंडा है ना ट्रक, अभी ठंडा है। -25, -27, -28 है एक्चुअल, लेकिन फील्स लाइक जो है -40 है। मैं नहीं बोलता कि हमारे बाबा जी का नाम लो, मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका रिलीजन ना, ऊपर वाले को अपने दिमाग में रखा करो जब भी काम पे निकलते हो। तो फिर क्या होता है,
वो हमारा ध्यान खुद रखते हैं और ये भाई अपने को ओवरटेक करके जा रहा है। आज अपने को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है, आज अपनी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि डबल ट्रेलर होता है ना तो एक घंटे बाद में फिर पहला एक घंटे के बाद में फिर दो दो घंटे के बाद में रुकना पड़ता है, लेकिन अभी कोई टेंशन नहीं है, बहुत सीधा जाएंगे इतनी ठंड में मजे करते हुए जाएंगे। याहू, तो ये भी अपने जैसा पीटर बेल्ट ही है, देखो मैनुअल पीटर बेल्ट है भाई के पास। सामने इशारा बंद है, इशारा बंद होता है तो हम नहीं जा सकते, ग्रीन सिग्नल हो तभी जा सकते हैं। देखो कितनी बड़ी नॉलेज की बात कर दी मैंने, ओ माय गॉड, मेरे को कभी कभी मालूम ही नहीं पड़ता इतनी नॉलेज की बात कर देता हूं मैं। यहाँ पे ट्रैक थोड़ा सा छोटा है इसलिए वो बंदे थोड़ा सा व्हाइट लाइन के पास में चलते हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डरने का नहीं है बॉस, हम भी यबूस लाइन में होते तो ऐसे ही चलते हैं, आराम आराम से जा रहा है, वैसे तो कोई जल्दी नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं तो सिंगल हूँ यार, इसको जाना है फ्लाइंग गियर के ऊपर, ये लेफ्ट करेगा आगे से, देखा ये यहाँ से लेफ्ट करेगा, सामने फ्लाइंग गियर, ये फ्लाइंग गियर के ऊपर जाएगा अपना भाई, भाई है यार सभी अपने भाई है। नहीं, पीटर बेल्ट 579 मैनुअल था उसके पास, 70 की स्पीड है बॉस, जो रेड फ्लैग लगे हो ना स्पीड वाले बोर्ड के ऊपर, दो आपको ऐसे वाले रेड कलर के बॉक्स तो दिख रहे हैं फटे, तो इट मींस कि आप 70 के ऊपर नहीं जा सकते, तो यहाँ पे देख लो अपनी स्पीड 71। एक्सीलेटर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है 71 की स्पीड के ऊपर, अगर रास्ता सही है वेदर सही है तो फिर आप यहाँ पे क्रूज लगाओ, तो क्रूज कहाँ से लगता है, ये वाले से, यहाँ पे ऑन दबाया, यहाँ से सेट किया तो क्रूज ऑन हो गया अपना। अगर क्रूज की स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ से प्लस से बढ़ाओ और माइनस से कम करो। रोड के ऊपर ठंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, -40-45 जितना ज्यादा ठंड रहेगी ना उतना रोड साफ रहेंगे, अगर हवा नहीं चल रही तो, हवा भी चलेगी ना तो विजिबिलिटी कम होगी, स्लिपरी की कोई टेंशन नहीं है, चाहे लेट के ट्रक चलाओ। ओ नहीं यार, फ्लो फ्लो में क्या बोल जाता हूँ मैं, कभी कभी लेट के ट्रक नहीं चलता, ट्रक तो बैठ के ही चलेगा लेकिन स्लिपरी नहीं होती रोड के ऊपर। सबसे मुश्किल पार्ट है देखो, जब रोड के ऊपर ठंड में खड़े हो गए, लोड को बांधना पड़ता है और लोड को खोलना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, जैसे ये भाई ने टार्प डाली हुई है, टार्प ये सबसे डिफिकल्ट लोड है, ये लोड सबसे डिफिकल्ट है विंटर में, जो कर रहे हैं ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है, लेकिन ये ज्यादा अच्छा है यार सर्दियों में खास करके। तो चाय उठाई है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, चाय हो जाएगी अपनी ठंडी, तो लेट्स गो, पहले चाय को अंदर रखते हैं फिर बात करते हैं बॉस। आप लोगों को देख के हैरानगी तो बहुत हो रही होगी कि अपने पास 2 ट्रेलर कहाँ से आए हैं, 2 ट्रेलर हम लेके आए हैं रिजाइना से, अभी जाएंगे एडमिंटन को। पहले ग्लव्स उतारने दो यार, ओ माय गॉड, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आज बाहर, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम पड़ी लगा अपना काम ही 2 ट्रेलर का है यार, सब विनीपेग से सिंगल लेके आए थे, अभी वो बंदा अपने को ठीक नहीं लग रहा था सिंगल, तो इसलिए हमने उसको उतार दिया है, अभी 2 नए बंदे उठाए यहाँ से हमने, ये देखो फ्रेंच वनीला उठाई है और डबल कप लेके आए, बिकॉज वो सामने गेट है वो देखो, लेकिन गेट से आते आते ही बस जो है ना पूरा सिस्टम फ्रीज हो रहा है, और साथ में हमने उठाई है ये वेजी रैप, आज जो है इनके पास में चिकन चपोटले रैप नहीं थी तो वेजी रैप उठाई है, टेम्परेचर बार का -32 है, और एक चीज और देखो, ये मैंने जब ट्रक खड़ा किया था ना तो 180 के ऊपर थी सुई,
तो मेरे को 5 मिनट हुए अंदर जाके, बस चाय उठाइए तो सुई देखो कहाँ आ गई। टेम्परेचर देखो -30-31 है, फील्स लाइक -48 है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रही, हवा नहीं चल रही। जैसे मतलब की 4-5 मिनट चाहिए आपको बाहर फ्रीज होने के लिए, अगर हवा चल रही है तो फिर 1-2 मिनट में काम हो जाएगा। एक बंदा तो गया, धुआं देखो धुआं, हर एक बंदे के मुंह से धुआं देखना और हर एक बंदे के ट्रक से धुआं देखना सब जगह से रिक मास्टर देखो वो धुआं दिख रहा है आपको, धुआं नीचे। रिक मास्टर ऑन किया है, जब भी आप यहाँ पे रोकते हो ना तो ट्रक बंद कर दो, आपका रिक मास्टर ऑन हो जाएगा, वो भी गर्म हो जाएगा। निकलते हैं यहाँ से, एडमिंटन अभी बहुत दूर है बॉस। लेट्स गो। जब ऐसी जगह में बाइक निकालनी है तो दोनों तरफ शीशे देख के और लाइटें कर ली है हमने आगे वाली ऑन। तो ये सारी पार्किंग है राइट साइड में, और एक बाइक वाला भी आपको दिखाई देगा। अगर आपको बाइक रोक के यहाँ पे सोना है तो आराम से सो सकते हो। देखो कितने ट्रक लगे हुए हैं, सब भाई लोग अपने अपने खाना वाना खा के सब आराम से सोए हुए हैं, लेकिन अपना सफर अभी लंबा है बॉस। जब आपके पास में सिंगल ट्रेलर है ना, इतनी टेंशन नहीं होती, आप कहीं भी रुक सकते हो। लेकिन जब आप बाइक लेके जा रहे हो, ऐसी पार्किंग में से निकाल रहे हो ना, तो अगर जगह कम है तो दोनों आंखें खुली रख के दिमाग भी खुला रख के चलो। क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो पाइप होते हैं ना पूरे रबड़ के, जो हमने कन्वर्टर को लगाए हुए हैं, ट्रेलर को लगाए हुए हैं, जिनमें हवा जा रही है, जिनकी वजह से ब्रेक लग रही है, पूरे फ्रीज हुए पड़े होते हैं, पूरे फ्रीज हुए। तो अगर आपसे एक भी छोटी सी गलती होगी ना, आपने ज्यादा ट्रेलर पास में से काट के मोड़ दिया या उसकी एल बना दी, पास में से यू टर्न मार दिया, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट से पहले वो जो रबड़ होती है ना, रबड़ टूट जाती है, पाइप टूट जाएगा, फिर रास्ते में रुकना पड़ेगा आपको, यही सर्विस की वेट करनी पड़ेगी, फिर ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो वो आपकी टेंशन नहीं है, वो ऊपर वाले की मर्जी होगी। सड़क के उस पार फ्लाइंग ये, तो यहाँ पे हम रुके थे ना, ये बहुत ही फेमस ठिकाना है, इसको बोलते हैं डेविडसन, वो फिल्मों वाला डेविड नहीं ये है कनाडा का डेविडसन। लेकिन पहले मैं भी ऊपर से उठा के बाइक को राइड करता था। ये देखो सामने छोटा सा कट है, अभी मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसी ट्रैक में से राइड करने की कोशिश करता रहता हूँ, तो आराम से हो भी जाती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, सारी अपनी बाइक जो है ना ऐसे आगे निकाल लेनी है, आगे निकाल के फिर ऐसे राइड मारना है ऊपर को रख के। तो आपके पास में देखो ऊपर जाने के लिए भी रूम है, लेकिन वो आपकी मर्जी, अगर आपको ऊपर लेके जाना है बाइक का टाइप तो आप लेके जा सकते हो, लेकिन आराम से यहाँ पे आपकी बाइक जो है ना आराम से स्पीड नहीं मारने का। देखो मेरी स्पीड कितनी कम है, तो अब मेरे को मेरा पीछे वाला जो टायर है ना दिखना शुरू हो गया, और आपका पीछे वाला टायर जल्दी देखने के लिए ना आप अपना जो शीशा है ना वो बाहर को निकाल सकते हो, क्योंकि स्विच लगे होते हैं शीशा मूव करने के लिए, आपको मालूम ही है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये देखो सामने बैटल बोर्ड का बोर्ड आ गया, सास्काटून से 120 किलोमीटर बैटल बोर्ड है, और बैटल बोर्ड के बाद में लॉर्ड मिस्टर आएगा, लॉर्ड मिस्टर के बाद में सीधा आएगा एडमिंटन। तो ये देखो रात को बर्फ वाली स्कूटर लेके जा रहा है, टायर जाम हो चुका है, टायर अभी नीचे जाकर देखना पड़ेगा। Thank you.
ऐसे नहीं बोलते, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह करने के लिए हिम्मत नहीं छोड़नी है हमको, तो अपने चारों टायर हमने चला लिए। मालूम नहीं मेरी कैब किधर जा रही है किधर नहीं जा रही, अभी एडजस्ट करो, अभी बहुत टेंशन है। हर मैदान फतेह, ओ बंदे हर मैदान फतेह, अभी एक बाकी है। वो देखो अभी एक बाकी है, वो जो नीचे वाला उस तरफ वाला है ना, वो अभी नहीं मान रहा। आप क्यों फ्रीज हो रहे हो, आप अंदर बैठो, हमारा तो काम ही यही है यार, डेली का काम है, कैमरा फ्रीज हो जाएगा बाहर, तो कैमरा अंदर रखते हैं, फिर बाद में मिलता हूँ आपको। सर्दियों में सांस बहुत ज्यादा चढ़ती है यार, दो मिनट के लिए ऐसा छोड़ दें, हवा वाली वायर लगाई है, अगर हवा थोड़ी ना सर्दियों में स्लो हो जाती है, तो पहले बहुत जोर लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो अभी पीछे वाला ट्रेलर भी अपने से गद्दारी कर जाए। पीटीआई कराते हैं फिर बाद में चेक करते हैं, तब तक अच्छी तरह हवा क्रॉस हो जाएगी, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, बस आपके लिए नई बात है, क्योंकि इस साल पहला विंटर था। ये देखो कपड़ों का हाल देखो, थोड़ी वेट करते हैं यार, सर्दियों में ना ये मफलर मुंह के ऊपर होता है और मफलर गीला हो जाता है स्नो से, तो फिर बाद में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में जब इसको नीचे करते हैं ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऑक्सीजन का भंडार दे दिया मुंह को। -36 फील लाइक है यहाँ पे, कैमरे को सेट करना और अपने ट्रेलरों का ध्यान रखना, ये दोनों काम बहुत ज्यादा जरूरी है बॉस, दोनों में से कोई भी काम नहीं छूटना चाहिए। अगर किसी टाइम पे व्लॉगिंग रह भी जाए तो इतना मसला नहीं है, लेकिन ट्रेलर को सही तरीके से देखना है अपने को। दोनों ट्रेलर का रीफर ऑन है, ट्रेलर दोनों ही खाली है लेकिन रीफर दोनों के ऑन है, बिकॉज ठंड है, पीछे से ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि अपने रीफर ऑन करके रखो, नहीं तो बाद में रीफर स्टार्ट नहीं होता। टायर आपने चेक कर लिए है ना, चल रहे हैं ना, तो लेट्स गो इनसाइड बॉस, यार हम तो पागल हैं ही हैं। ये देखो ऐसे टर्न लेती है बाइक, अभी ऐसे टर्न लेगी, वो आगे से देखो, ये कभी भी यहाँ से टच नहीं होती बस इतना गैप रहेगा। मेरे हाथ नंगे हैं, मैं ग्लव्स भूल गया, शिट मैन शिट। ओ बाबा जी शुक्रिया आपका, आपने इस टेंशन में से निकाल दिया। बंदा बोलता है कि मैंने किया सब कुछ, मैंने किया, लेकिन कुछ भी बंदा नहीं करता, जो करते हैं बाबा जी करते हैं बॉस। कैब किधर जा रही है देखो, मेरे को चैंपियन मानते हो, कौन कौन मानता है, अभी हट जाओ मेरे को चैंपियन मानने में, देखो क्या हाल है, ये आपका चैंपियन है। ओहो ये कैब का हाल है,
आंखों में अभी भी पानी है, देखो जो स्नो जमी हुई थी ना अभी पानी बन गया। कंपनी से बाहर आ गए, अभी सेफ्टी जैकेट यहाँ उतार सकते हैं, अभी उतार देते हैं। बहुत गर्म है, इसके अंदर पसीना आया हुआ है। ये जैकेट के अंदर जहाँ जहाँ ये जैकेट पहनी हुई ना वहाँ ठंड नहीं लगती। ठंड कहाँ लगती है? हर एक बंदे का एक वीक पॉइंट होता है। मेरा वीक पॉइंट क्या है? मेरे हाथों को ठंड लगेगी पहले अगर नंगे हैं तो। मैं जब कैमरा पकड़ने गया ना तभी मेरे हाथों को ठंड लगी है। एडमिंटन ने अच्छा स्वागत किया है। जब अपना दोस्त देखेगा ये वाली वीडियो, पहले तो गालियां निकालेगा दो तीन, क्योंकि उसको मैंने बताया नहीं कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। दो मिनट के लिए ट्रक बंद कर देते हैं। किस किस को मालूम पड़ गया ट्रक क्यों बंद किया है? मैंने पहले बताया था, आज की पार्टी एडमिंटन वालों की तरफ से। जो सांस लेते हैं ना हवा अंदर को खींचते हैं, पूरी जम जाती है जब आपके मुंह को कवर नहीं किया हुआ आपने। अगर मुंह को कवर किया हुआ है, ये देखो अभी क्या हो रहा है, अपना बॉस स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या बात है, अभी यही अपने को सोने के टाइम में हीट देगा, इसलिए इसको स्टार्ट करना भी जरूरी है। इसलिए मैंने ट्रक बंद किया। ट्रक अभी पूरा गर्म है, अभी 5-10 मिनट वो चलेगा तो वो भी एकदम पूरा गर्म हो जाएगा। ये वाली ठंड जो है ना अभी समाप्त होने वाली है, -35-40 जो है ना, जब तक ये वीडियो आपके पास में आएगी ना टेम्परेचर बहुत अच्छा हो चुका होगा, -15-20 उतना टेम्परेचर हमको कुछ नहीं बोलता। ये वीडियो यहाँ पे आगे बहुत लंबी हो गई, लेकिन यही जिंदगी है बॉस। हाथों में ना अभी भी तुरतरी तुरतरी छिड़ रही है। बहुत ज्यादा बहादुर बनते हम भी। मैं सोचा था आधे घंटे में यहाँ से काम फिनिश करके निकल जाऊंगा, ये देखो अभी जा रहा हूँ, देख लो आपके सामने बैठा हुआ है। टायर क्यों जाम होते हैं? टायर जाम होते हैं जब हम बाहर से आ रहे हैं हाईवे से, तो आने के टाइम में जब बाइक खड़ी की या ट्रेलर खड़ा किया उसी टाइम रेड वेल्व को ट्रेलर की ब्रेक को खींच दिया, तो जो लेदर होते हैं वो गर्म हुए होते हैं, ड्रम भी पूरा गर्म होता है। जब वो लेदर हम ब्रेक खींचते हैं लेदर उसके साथ में चिपक जाते हैं, बाद में वो जब हम उनको हवा छोड़ते हैं तो हवा से वो लेदर पीछे जाते हैं ड्रम से, लेकिन वो बाद में जाते नहीं वहीं चिपके रह जाते हैं। तो आपने देखा ना हैमर लेके जाके नीचे जाके उसको थोड़ी से हैमर से मारना पड़ता है, अगर पूरे टिकाने पे आपने मार दिया तो ब्रेक खुल जाएगी। लेकिन पहले इसका वाल भी जाम था, तो मैंने वाल के ऊपर विंडशील्ड वाटर डाला। उससे क्या होता है कि वाल में जो थोड़ी बहुत फ्रीजिंग हुई होती है ना, अगर विंडशील्ड वाटर हो जाता है ना थोड़ा गर्म होता है, जब पाइपों को लगता है ना तो पाइपों के अंदर थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। अपनी तरफ से कोशिश की है, अभी मेरे को जैकेट मालूम नहीं, मैं कौन सा इंजीनियर हूँ, ऐसा मेरा आइडिया था। अपने को तो मतलब है अपने टायर चलाने से, उनको मालूम है पहले दो चले, फिर उस भाई ने बोला आगे कि वो तुम्हारे दूसरे साइड वाले दो चल रहे हैं। मैं ट्रेलर वापस उतारने वाला था वहां पे, पहले दो चलाए फिर तीसरा भी चल गया, लेकिन एक आपके सामने मैंने फिर से उसको नीचे जाके मारा फिर चला। अभी उस टाइम में मेरे को पूरी परेशानी हो रही थी, लेकिन अभी सब कुछ भूल गया। जब एक बार बाइक बन के रेडी हो जाते हैं ना तो फिर जैसे पार्टी हो जाती है ना, पूरी पार्टी। फिर बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं, और हर मैदान फतेह करने का जज्बा रखना चाहिए बस। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उस्ताद हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मैं उस्ताद नहीं हूँ, ऐसा मैंने भी किसी से सीखा है। जैसा अपने अपने तरफ से ट्राई की है काम हो गया। ये सफर यहीं से शुरू करेंगे, एडमिंटन से ही। लेकिन जाने से पहले लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और कल वाली वीडियो में कैसा दिन निकलता है। ये जो ट्रिप लेके आए ना हम लोग एडमिंटन से कैलगरी, कैलगरी से रिजेना, रिजेना से विनीपेग जाएंगे, तो यही ट्रिप में ठंड मिलेगी, इसके बाद में ठंड जो थोड़ी खत्म हो जाएगी, तो ये लास्ट ठंड वाला ट्रिप होगा। लेकिन ये जो जैकेट है ना एक नंबर भाई, ग्लव्स है अपने वो भी एक नंबर, पेट्रो पास से पकड़े थे। लाइक करना, शेयर करना, जो अपने चैनल के ऊपर आज नए हैं सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी ऐसी ऐसी वीडियो में, टिल देन रब रखा। बोलने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आनी पड़ती है, लेकिन उतनी एनर्जी है नहीं मेरे पास में, एनर्जी थोड़ी बाहर वेस्ट हो चुकी है, अभी एनर्जी वापस आएगी। थोड़ा खाना वाना खाएंगे ना तो पूरी एनर्जी वापस आएगी। मिलता हूँ आपको सुबह अगली वीडियो में, अगले सफर में। बाय बाय। I'm an old school man. I only wanna fall in love once with an old school girl. Old school girl, old school girl. When I know, I'll know. Hand in hand like love.